नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज। व्हाट्सएप पर सरकार की तरफ से कुछ बदलाव करने के लिए वोट किया जा रहा है, जिस पर अगर जल्द अमल नहीं किया जाता है तो कंपनी को देश से बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को भारत में खासा पसंद किया जाता है। इतना ही नहीं, भारत में व्हाट्सएप के यूजर भी दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन खबरों की माने तो इस मैसेजिंग ऐप को सरकार की तरफ से तगड़ा झटका लग सकता है। व्हाट्सएप पर सरकार की तरफ से कुछ बदलाव करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, जिस पर जल्द अमल नहीं किया गया कंपनी को देश से बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। व्हाट्सएप की मुश्किलें देश में उस वक्त पड़ी जब इस प्लेटफॉर्म के जरिए अफवाहें और फेक खबरें भारी मात्रा में वायरल होने लगी। इसकी वजह से देश के कई हिस्सों में मॉब लिंचिंग होने के कारण कईयों की जान भी चली। इसे देखते हुए सरकार ने व्हाट्सएप को ये निर्देश दिया कि इन फेक खबरों पर जल्द से जल्द रोक लगाया जाए। इसके बाद कंपनी ने भी अपने प्लेटफॉर्म पर कुछ बदलाव किए और एडवर्टाइजमेंट के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम भी कर रही है। आपको बता दें, देश में कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले, जिसे लेकर सरकार और व्हाट्सएप के बीच फेक खबरों पर रोक लगाने को बात चल रही है। सरकार की तरफ से व्हाट्सएप पर दबाव डाला जा रहा है कि कंपनी ये पता लगाए कि फेक खबरें और अफवाहें कहां से फैलाई जा रही है। इसके लिए कंपनी को अपनी पॉलिसी में बड़ा बदलाव करना होगा, जिसे पहले ही ऐसा करने से मना कर दिया गया। ये बदलाव एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की वजह से संभव नहीं है। इस मामले पर कंपनी का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर भेजे गए किसी भी मैसेज को सिर्फ सेंडर और रिसीवर के अलावा कोई तीसरा इन मैसेज को ना तो ट्रेस कर सकता है और ना ही पढ़ सकता है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप खुद भी यूजर्स के मैसेज को नहीं पढ़ सकता है। सरकार की तरफ से सुझाए गए बदलाव मजबूत प्राइवेसी प्रोटेक्शन की वजह से संभव नहीं है। हालांकि व्हाट्सएप ने अभी तक देश से जाने को लेकर कुछ भी नहीं कहा। आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या व्हाट्सएप को अपनी प्राइवेसी चेंज करनी चाहिए या नहीं।